हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद। आप देख रहे हो हेलो प्रमोद चैनल। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने एटीएम कार्ड के पिन को आप कैसे फॉरगेट कर सकते हो या आप कैसे चेंज कर सकते हो एटीएम में जाके। आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एटीएम में पहुंच चुका हूं। एटीएम में पहुंचने के बाद आपको इस एटीएम मशीन में अपना एटीएम को डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर इंटरनेशनल को सेलेक्ट कर लेना है। इंटरनेशनल को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर लैंग्वेज का कुछ ऑप्शन आएगा, तो लैंग्वेज में से मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई भी दो नंबर यहाँ पर डाल देना और कोई यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना होगा। तो सिंपली गाइस हम लोग अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेते हैं। नंबर यहां पर डालने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहां पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको सिंपली यहां पर फिलअप कर लेना है, प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली गाइस जो ओटीपी होगा यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो वर्ड्स में होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ यहाँ पर पर्ची आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको पर्ची आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको सिंपली फिर से एटीएम में एटीएम कार्ड को डाल देना है। तो डालने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ फिर से वही सेम इंटरनेशनल पर क्लिक करना है। इंटरनेशनल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कोई भी टू डिजिट का नंबर ले लो और उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका शब्द वाला आएगा, जो वर्ड्स वाला रहेगा, आपको यहाँ पर नंबर फिलअप कर लेना है और आपको सिंपली प्रेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बैंक पर क्लिक कर देना है। बैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो साइड में पिन चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी अपना एक पिन रख दो और आपको किसी को भी पिन नहीं बताना है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर सिंपली पिन दो बार यहाँ पर करना है। उसके बाद आपका ये जो पिन होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड। आई होप गाइस ये वीडियो देखने के बाद अपने एटीएम कार्ड का पिन चेंज कर दिए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपके वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।